नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में मैं आपको आज पाठ्यक्रम का वर्तमान स्वरूप और पाठ्यक्रम की उपयोगिता के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले मैं आपको ये टॉपिक हमारे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम भाग दो का सेकेंड यूनिट का टॉपिक भी है, साथ में ये मैंने आपको पहले भी बताया था संकाय एवं विषयों की समझ जो आपकी दूसरी पुस्तक है उसमें भी आपकी फर्स्ट यूनिट का ये प्रथम टॉपिक है। इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक दोनों पुस्तकों के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम है विषयों की संकाय में वो सर्वप्रथम हमारे पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा है और उसके बाद में हमारे विषयों के पाठ्यक्रम के बारे में अर्थात पाठ्यचर्या यानी कि हमारी विषय वस्तु के बारे में, ये हमारा उसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और जो थर्ड यूनिट है उसी में ही आपके पाठ्यक्रम के सिद्धांत भी है विज्ञान संकाय एवं विषयों की समझ में, इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक पहले करवा रही हूँ और ये टॉपिक आपके लिए दोनों पुस्तकों के लिए आपके लिए अनिवार्य है। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये दोनों पुस्तकों के लिए है, इसीलिए ये आपके दोनों के लिए क्लियर भी हो जाएगा। तो हमारा जो मैंने आपको कल पाठ्यक्रम में हमारे स्वरूप बताया था मैंने कि हमारे पाठ्यक्रम का स्वरूप दो तरीके से था, यानी कि प्राचीन और वर्तमान, या उसको हम कह सकते हैं आधुनिक स्वरूप। यानी कि हमारा जो प्राचीन स्वरूप था वो हमने देखा कि प्राचीन स्वरूप में हमारे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से संबंधित था, अर्थात वहाँ का उद्देश्य हमारा केवल हमें शिक्षित करने का था, हमें हमारे फ्यूचर में वो पाठ्यक्रम इतना अनिवार्य नहीं बनाया कि उसको हम आगे तक काम में ले सकें। अर्थात पहले हमारा उद्देश्य केवल शिक्षित होने का था, लेकिन आज का जो हमारा वर्तमान स्वरूप है, जो हमारा आधुनिक स्वरूप है पाठ्यक्रम का, वो पाठ्यक्रम का स्वरूप हमारे इस तरीके से निर्धारित कर दिया गया है कि वो हमारे उस आजीवन में हमारे काम आता है। अर्थात उसी पाठ्यक्रम के आधार पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में आगे हम उस पाठ्यक्रम को हमारे जीवन में एक उपयोगिता के हिस्से में काम में लेते हैं, वो हमारे लिए हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो वो हमारे आजीविका के लिए काम में आने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज का जो आधुनिक स्वरूप है पाठ्यक्रम का वो इस बात पर निर्भर करता है कि बालकों के लिए आगे भविष्य में उनके लिए क्या अनिवार्य है, किस तरीके से वो अपना जीवन चलाएंगे, ये सब हम ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और पाठ्यक्रम का निर्माण कहा जाता है कि आज के टाइम पे जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो बच्चों को मद्देनजर रखते हुए उनके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जहाँ पहले हमारे शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा थी उसके आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता था, लेकिन आज जो शिक्षा है वो है हमारी बाल केंद्रित। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी कौन सा होता है, बाल केंद्रित। इसीलिए वर्तमान स्वरूप है हमारे पाठ्यक्रम का, बच्चों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाते हैं। इसमें मैंने आपको बताया पाठ्यक्रम का वर्तमान स्वरूप, या इसको हम आधुनिक स्वरूप भी कह सकते हैं। इसमें पाठ्यक्रम की तीन विभागों में बांटा गया है। पहला है शैक्षिक क्रियाएं, सेकंड है पाठ्य सहभागी क्रियाएं, थर्ड है हमारा रुचिपूर्ण क्रियाएं, यानी कि जो हम हमारे इंटरेस्ट से हमारा कार्य करते हैं, क्योंकि छात्रों का किसी ना किसी विषय में हमारे, या कहते हैं कि बालकों की अपनी प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ प्रवृत्तियां जिसे हम कहते हैं कि जन्मजात होती हैं, तो ये हमारे रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम में आता है, जो भी हमारी रुचिपूर्ण क्रियाएँ होती हैं। अब इसमें सर्वप्रथम है हमारी शैक्षिक क्रियाएँ, यानी कि शैक्षिक क्रियाएँ कौन सी, जो हम विद्यालय में आकर हम जो पठन करते हैं, यानी कि हम पढ़ाई करते हैं, या हम कहें जो विषय संबंधित हम ज्ञान अर्जित करते हैं, विषय संबंधी ज्ञान अर्जित करते हैं। आपने देखा है जब हम आते हैं विद्यालय में या महाविद्यालय में, तो हम सबसे पहले जब हम कोई कार्य करते हैं विद्यालय में तो हम कौन सी करते हैं, शैक्षिक क्रियाएँ, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में हमारी कौन कौन सी विषय पढ़ने की लिए है, यहाँ पर हम शैक्षिक क्रिया में हम हमारी पठन विषयों का ज्ञान करते हैं कि हमें कौन
करना है और प्रत्येक विषय का एक विषय वस्तु जिसे हम कहते हैं पाठ्यचर्या, जिसे हम कहते हैं सिलेबस बनाया जाता है। और लेवल जो हमारी पूरी विषय का होता है वो हमारा पाठ्यक्रम या हमारा कोर्स, जिस कोर्स में हम एडमिशन ले रहे हैं। और लेवल पूरे जैसे 2 इयर्स का कोर्स है तो 2 इयर्स का अगर कोर्स है हमारा कंप्लीट तो वो हमारे पाठ्यक्रम में आता है, जिसे मैंने आपको कहा था कि हमें मानव उपाधि मिलती है। और अगर हम कहें पाठ्यचर्या तो पाठ्यचर्या क्या हो गया हमारा सिलेबस, यानी कि प्रत्येक विषय का अलग अलग सिलेबस जो हमारा होता है। तो यहाँ शैक्षिक क्रियाओं में हम शिक्षा से संबंधित सारी क्रियाएं करेंगे। और शिक्षा से संबंधित कौन सी क्रियाएं हो गई, जो हमारे प्रत्येक विषयों का हमें ज्ञान करवाती है। प्रत्येक विषय का हम अपना एक पाठ्यक्रम, हमारा एक सिलेबस हम तैयार करते हैं। तो यहाँ हमें उन सब क्रियाओं के बारे में, उन सब विषयों के बारे में, उन विषयों से संबंधित क्रियाओं के बारे में, उन विषयों से संबंधित हमारे कहते हैं कि चैप्टर्स के बारे में, ये सब हमें जो शैक्षिक क्रियाएं करवाते हैं वो शैक्षिक क्रियाओं में हमारे आते हैं। और उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित हमारी क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं हमें शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत बताई जाती है। सेकंड है हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। कल भी मैंने आपको बताई थी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो हमारी पाठ्य यानी कि पढ़ने के साथ साथ हम जो क्रियाएं करते हैं वो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम का, हमारे शिक्षा का एक अहम हिस्सा होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इनके बिना हमारी शिक्षा अधूरी होती है। पढ़ने के साथ साथ हमारी अनेक क्रियाएं होती है, जो क्रियाएं हम पढ़ने के साथ साथ करते हैं वो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इनका भी विभाजन किया गया है। सबसे सर्वप्रथम हम देखें तो सर्वप्रथम है इसका टॉपिक साहित्य क्रियाएं, यानी कि जो हम साहित्यिक क्रियाएं करते हैं, हम ये कह दें साहित्य क्रियाओं में हम कोई वाद विवाद ले लें, या हम कोई साहित्य पर टॉपिक पर हम अपना लेक्चर दें, या हम कहते कि हमारे जो भी साहित्यिक जो हमारे निबंध होते हैं, निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं उससे संबंधित, तो ये सारी क्रियाएं साहित्यिक क्रियाओं के, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। कि हम विभिन्न क्रियाएं इसके अंदर करते रहते हैं, हमारे वाद विवाद, बोलने की कौशल, और ये सब हमारे साहित्य का एक हिस्सा हो जाते हैं जो हमारे साहित्य से संबंधित है। यानी कि हम इसी साहित्य से संबंधित अपना टॉपिक लेते हैं। साहित्यिक क्रियाएं जो होती है हमारी, जैसे हम बोल दें कविता, समाचार पत्र, कोई हम गोष्ठी करें साहित्यिक गोष्ठी, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। सेकंड है हमारी साहित्य में हम कह दें कोई गोष्ठी, कविता, वाद विवाद, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये सब क्रियाएं जो हम पढ़ने की, जो भी हम हमारी क्रियाएं होती है वो हमारी साहित्यिक क्रिया में आती हैं। सेकंड है हमारी शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाओं के अंदर हम जानते हैं क्या क्या आ गया हमारा, योग, व्यायाम, या हम कहें हमारे खेल कूद, ये सब हमारी किसमें आ जाती है, शारीरिक क्रिया में। कहा जाता है कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं इनके बिना हम जब भी शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे इसके अंतर्गत एक हमारी शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए एक अध्यापक भी नियुक्त किया होता है, जिसे हम कह सकते हैं PTI, जो कि हमें ये शारीरिक क्रियाएं करना हमें सिखाते हैं। तो कहते हैं कि हम ये जो भी क्रियाएं करते हैं, शारीरिक क्रियाएं, योगा, व्यायाम, खेलकूद, ये भी हमारे शिक्षा का और हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होते हैं। हम ये सारी क्रियाएं भी पाठ्य पढ़ने के साथ साथ हम ये सारी क्रियाएं भी करते हैं। सेकंड है हमारी सामाजिक क्रियाएं, यानी कि समाज से संबंधित। अब समाज से संबंधित हमारी कौन कौन सी है, जब विद्यालय में बालक प्रवेश लेता है, कहते हैं विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप। जब विद्यालय में बच्चा प्रवेश लेता है तो हम जो हमारा समाज है हम उससे भी जुड़ते हैं। समाज में होने वाली जो भी सामाजिक सेवाएं हैं उसके बारे में हम प्रेरित होते हैं। तो ये प्रेरित कौन करते हैं हमें, विद्यालय से हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं अगर हम एक चैप्टर भी पढ़ते हैं किसी समाज से, हम कहते हैं कि ना किसी जो हमारे कहते हैं कि एक आइडल होता है, हम उनके
बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी भाव जागृत होते हैं कि हम भी ऐसी समाज सेवा करें। तो हमारे अंदर भी जो ये समाज सेवा का भाव है, ये हमें किस्से के माध्यम से जागृत होता है, हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर। उससे ये जो पाठ्य सेवा में क्रियाएं हैं, ये हमें हमारे समाज से भी हमें जोड़ते हैं। हमें दया करना, समाज सेवा यानी हेल्प करना, ये सब जो हमारे गुण होते हैं, इनसे हमें कौन हमें अवगत करवाते हैं, इसकी हमें जानकारी देते हैं कि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये भी हमें, क्योंकि कहते हैं अगर हम किसी की सहायता करेंगे तो वो भी हमारी सहायता करेंगे। तो ये जो हम कहते हैं एक तरीके से हमें संतुलन, सामाजिकता प्रदान करना, ये किसके माध्यम से होगा, हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आधार पर। क्योंकि हम जब विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में हम रहते हैं, तो हम एक दूसरे, जो कहते हैं हमारे क्लासमेट भी होते हैं उसमें विभिन्न समाज से आए, तो हम उनसे एक तरीके से जुड़ जाते हैं, और जुड़ते हैं तो हमारे अंदर ये भावना जागृत होती है, और हम इस भावना का जरूर से जरूर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांस्कृतिक। जो भी हम कहते हैं सांस्कृतिक क्रियाएं, जो कि हम हमारे महाविद्यालय या विद्यालय का एक अहम हिस्सा होता है, हम करते हैं, जैसे कोई हम नाटक करते हैं, गायन, नृत्य, यानी कि जो भी हमारी संस्कृति संबंधित होते हैं। आज हम कहते हैं कि हमारे जो यहाँ का, अगर हम कहें कि हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो हमारा नृत्य है वो कौन सा है, हमारी संस्कृति की पहचान हमारा नृत्य घूमर। तो हम इसके प्रैक्टिस जब भी हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होगा तो हम इसको जरूर से जरूर करेंगे। कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें एक दूसरे से, या कहें कि हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सांस्कृतिक प्रोग्राम में वो सब क्रियाएं होती हैं जो कि हमें हमारे देश की संस्कृति से जोड़ते हैं। हम समस्त सांस्कृतिक क्रियाएं करते हैं, ये हमारे लिए मनोरंजन, कहते हैं मनोरंजन का रूप भी होती है, हम इससे हमारा मनोरंजन भी प्राप्त करते हैं। लेकिन साथ में मनोरंजन के साथ साथ हम मनोरंजन ऐसा करते हैं जो हमें हमारी संस्कृति की पहचान करवाता है, या हम कहें हमारी संस्कृति के नज़दीक हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जैसे हम कह दें कि सिलाई, कढ़ाई, या फिर हम ये कह सकते हैं इसके लिए कि हम जो भी बागवानी, चित्रकारी जो हम करते हैं, किसी किसी की बहुत अच्छी ड्राइंग होती है, जैसे हम कहते हैं चित्रकारी, जो हम जो भी करते हैं चित्र बनाना, क्योंकि ये क्या होता है क्रिएटिविटी। अगर किसी की राइटिंग भी, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कहते हैं ना कईयों की, ये एक कहते हैं खुद का एक हुनर होता है, किसी की राइटिंग का जरूरी नहीं है कि हम हमारी उसकी राइटिंग को हम सुधारें, लेकिन उसकी जनजाति उसकी राइटिंग है अच्छी होती है, तो ये एक सृजनात्मकता होती है। जैसे हम कोई भी कहते हैं यहाँ पर कि हम क्या करते हैं यहाँ पर सृजनात्मकता में, कि हम अगर किसी मूर्ति करना बनाना सीखते हैं, या फिर हो सकता है उस व्यक्ति को मूर्ति बहुत अच्छी बनानी आती हो, या वो सीखे इस चीज़ के बारे में, इसके अंतर्गत जैसे हम कहते हैं चित्रकारी, दस्तकारी ना, तो ये सृजनात्मक क्रिएटिविटी होती है जो बच्चों के अंदर श्रम के अंदर होता है। लेकिन उसे रास्ता दिखाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमारे विद्यालय की, या कहें हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की। क्योंकि जो बच्चे के अंदर जो सृजनात्मकता छुपी हुई होती है, उस सृजनात्मकता को बाहर निकालने के लिए, उस चीज़ का पता करने के लिए हमें पाठ्य सहगामी क्रियाएँ अनिवार्य होती हैं। हम इनके द्वारा प्रत्येक बच्चे के गुण के बारे में जान सकते हैं, कि जरूरी नहीं है प्रत्येक बच्चा ओनली पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो सकता है वो अन्य क्रियाएं, या तो किसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, या फिर कहें कि उसी किसी और चीज़ में रुचि होती है। तो वो चीज़ हमारे सामने कब आती है, जब हम ये क्रियाएं करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन बच्चा किस चीज़ में आगे है। कहते हैं ना हमारे जो हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो इन सारी क्रियाओं को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रत्येक बच्चे के बारे में पता होता है कि कौन बच्चा किस चीज़ में आगे होता है। तो ये हमें कब पता चलता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आधार पर। अगर ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं ना हो, तो हम किसी भी बच्चे का ओनली हम शैक्षिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम उसका पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत हम ये ऑब्जर्वेशन उसका नहीं कर सकते कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, बच्चा क्या शारीरिक
शारीरिक क्रिया कर सकता है, बच्चा क्या सामाजिक क्रिया में है, सांस्कृतिक में है, सृजनात्मकता में है। तो ये बच्चों का जो भी पाठ्य सगामी क्रियाएं हैं, ये हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन क्रियाओं के बारे में भी हमें पता चलता है। लास्ट पॉइंट है हमारा रुचिपूर्ण। लास्ट पॉइंट है हमारा रुचिपूर्ण। रुचिपूर्ण में क्या होता है कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, बच्चा किस कार्य में वो इंटरेस्ट। राष्ट्रीय, इसमें एक टॉपिक छूट गया हमारा, राष्ट्रीय क्रियाकलाप, यानी कि जो कुछ क्रियाएं हमारी होती हैं जो राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे कि हमारे महाविद्यालय में, सॉरी हमारे विद्यालय में हम स्काउट का कैंप लगाते हैं, एनसीसी का कैंप लगाते हैं, एनएसएस का कैंप लगाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं हमारे हमारे राष्ट्रीय क्रियाकलाप, हमें राष्ट्र से जोड़ते हैं, हमें हमारे देश से भी जोड़ते हैं। राष्ट्रीय क्रियाकलाप जो राष्ट्र से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के तहत हम हमारे राष्ट्र से जुड़ जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि इनके जो भी स्काउट एनसीसी या एनएसएस ज्वाइन करते हैं वो डायरेक्ट किसी हमारे देश के लिए किसी आर्मी में या हम कहें किसी पुलिस में, तो डायरेक्ट उनकी भर्ती होती है। तो किसके आधार पर हुआ, इस पाठ्य सगामी क्रियाओं के आधार पर। अगर ये ना होते तो हमें बच्चों के बारे में, इस चीज़ के बारे में कहीं भी पता नहीं चलता कि बच्चे की राष्ट्र की जो क्रियाएँ हैं उनसे वो कितने जुड़े हुए हैं। तो इसमें कहा गया कि ये जो हम क्रियाएँ करवाते हैं ये भी हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जो हम स्काउट का 7 दिन का कैंप लगाते हैं, एनएसएस का लगाते हैं 5 दिन का, और एनसीसी का लगाते हैं, तो ये सब हमारे एक पाठ्यक्रम का हमारा हिस्सा है। इन्हें आज इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है। हम देखते हैं कि बीएसटीसी जो हमारा कोर्स होता है, जब तक उसका 7 डेज का हमारा स्काउट का कैंप नहीं पूरा होता है तब तक वो डिग्री ही पूरी नहीं होती, या कहें उसका रिजल्ट ही रोक लिया जाता है। तो ये हमारी जहाँ हमारी शैक्षिक क्रियाएं उसके साथ भी ये हमारी जुड़ी हुई है। तो कहते हैं पाठ्य सगामी क्रियाएं भी हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की हमारी शैक्षिक क्रियाएं। तो पाठ्यक्रम के स्वरूप में लास्ट हमारा टॉपिक है रुचिपूर्ण क्रियाएं, कि जो हमारे रुचि, यानी कहते हैं ना हमारा इंटरेस्ट, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, कि हमारा इंटरेस्ट किस किस चीज में हो सकता है। ये जो इंटरेस्ट होता है वो हमारी प्रवृत्ति होती है। अगर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है हम बच्चे को ये कहें कि, या पेरेंट्स के लिए हम कहते हैं कि अगर पेरेंट्स ये कहे बच्चे को कि नहीं आपको मैथ लेनी है, अगर वो बच्चे की मैथ में रुचि नहीं होगी और आपने गिना दिया उसको, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है कि वो बच्चा फेल हो जाता है। तो कहते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं रुचिपूर्ण जिनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि बच्चे का किस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम का हमारा वर्तमान स्वरूप हमारी रुचिपूर्ण क्रियाएं भी हैं जो हम करते रहते हैं। आपने देखा है अगर जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वो बच्चा वही सब्जेक्ट निकाल कर पढ़ेगा। तो ये क्यों होता है, हमारी रुचि के कारण। तो कहते हैं पाठ्यक्रम को हमें आज के टाइम पे ऐसा बनाना चाहिए जो हमारा इंटरेस्ट जागृत करे या स्टूडेंट का इंटरेस्ट जागृत करे। तो पाठ्यक्रम को सबसे पहले कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण। तो ये क्रियाएं हमारे आज के वर्तमान स्वरूप के पाठ्यक्रम की है। पहला मैंने आपको बताया है शैक्षिक क्रियाएं, सेकंड है हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, और थर्ड है हमारा रुचिपूर्ण क्रियाएं। अब आती है हमारे, जब हमने पाठ्यक्रम का प्राचीन और वर्तमान स्वरूप हमने देख लिया है, इसके बाद में हम कहते हैं कि प्रत्येक चीज़ की हमारी एक उपयोगिता होती है कि हमें उसे किस तरीके से हमारे जीवन में उपयोग में लेना चाहिए। तो वही है हमारा सर्वप्रथम मैं बताने जा रही हूँ आपको पाठ्यक्रम की उपयोगिता, कि पाठ्यक्रम हमारे जीवन या हम कहें कि हमारे शैक्षिक जीवन में किस तरीके से उपयोगी है। तो सर्वप्रथम है हमारा उद्देश्य की प्राप्ति, अर्थात हम जो शैक्षिक उद्देश्य हमारा पाठ्यक्रम ग्रहण करने का क्या उद्देश्य है, हमारी शिक्षा पूर्ण लेना, यानी कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। जो भी हम हमारा एम लेके जा रहे हैं उस पाठ्यक्रम से संबंधित हमें वो शैक्षिक उद्देश्यों की हमारी पूर्ति होनी चाहिए। आज हम बीएड का पाठ्यक्रम अगर हम ले रहे हैं, बीएड में हम प्रवेश ले रहे हैं, तो हमारा क्या है, हमारी उपयोगिता, या हम कहें कि हमारी क्या है उद्देश्य, कि हम बीएड में अच्छे से अच्छे परसेंट लेके हम पास होए और एक अच्छे शिक्षक बनने की हम कोशिश करें। अर्थात यह उद्देश्य है हमारा कि शिक्षक से संबंधित सारी क्रियाओं का हम पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करें। तो कहते हैं कि हमारे
हमारी जो उपयोगिता है, हमारी क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करवाता है। सेकंड है हमारा शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण। कहते हैं कि जब हम उद्देश्य बनाते हैं तो उद्देश्य को हमें किस तरीके से पूरा करना है, किस तरीके से क्रमबद्ध करना है, किस तरह से उसे नियोजित करना है, ये हमें कौन बताता है, व्यवस्थीकरण, यानी कि उसका नियोजन करना, नियोजन करना, या हम कहें नियोजित करना कि हमें किस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम को नियोजित करना है, कब किसे शुरू करना है, किस क्रम से शुरू करना है, तो ये हमें पाठ्यक्रम बताता है। हम कहते हैं कि जो हमारे विषय वस्तुओं में प्रत्येक में हमारे यूनिट होती है, वो यूनिट क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम बनाया गया है, जैसे हमारे यहाँ 2 साल का पाठ्यक्रम बनाया गया है कि फर्स्ट ईयर में हमें ये विषय पढ़नी है और सेकंड ईयर में हमें ये विषय पढ़नी है, तो किसके आधार पर हुआ है, व्यवस्थीकरण के आधार पर, यानी उसे सुनियोजित कर लिया गया है कि प्रथम वर्ष में हमें ये पढ़ना है और द्वितीय वर्ष में हमें ये पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम की उपयोगिता होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं अगर हम उसे सुव्यवस्थित ढंग से, कहते हैं अगर हम उसे सुनियोजित ना करें तो वो कार्य हमारा कभी भी पूर्ण नहीं होता, और अगर पूर्ण होता है तो वो हमारा कोई भी प्रभावी नहीं होता है। इसीलिए हमें उस प्रक्रिया को क्या करनी होती है, व्यवस्थीकरण करनी होती है। अवेयरनेस इसमें क्या और कितना ज्ञान, इसका मतलब कि हमें बच्चों को या कहते हैं विद्यार्थियों को कब हमें कौन सा ज्ञान देना है, कितना ज्ञान देना है, ये भी तो शिक्षक नियोजित करते हैं। तो अगर पाठ्यक्रम ना हो तो क्या शिक्षक ये सोच सकते हैं कि हमें बच्चों को कब और कितना ज्ञान देना है? तो इसमें कहा जाता है कि पाठ्यक्रम हमें ये भी बताता है कि हमें कब कितना ज्ञान देना है, या हम कहें कि किस जगह किस ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज जो पाठ्यक्रम है वो उसी के आधार पर है। कहते हैं ना, पाठ्यक्रम आज हमारा मानसिक योग्यता का भर है, तो मानसिक योग्यता बच्चों का क्या होगा कि बच्चों के आज के टाइम पे उन्हें कितना ज्ञान चाहिए, तो वो हमारे पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि हमें कितना ज्ञान देना है और कब देना है। सेकंड है हमारा समय एवं शक्ति का सदुपयोग। हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम हमें हमारा समय भी बचाता है और हमारी शक्ति का सदुपयोग करना भी सिखाता है। आपने देखा है ना, आज जैसे मैंने बताया था कि आज का जो हमारी शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय है, यानी कि बालक कहते हैं ना त्रिध्रुवीय है हमारी, जो कहते हैं शिक्षक और बालक और पाठ्यक्रम। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, अगर शिक्षक के पास पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होगा तो शिक्षक को वो समय लगेगा कि नहीं लगेगा उसे ये देखने में, कहते हैं उसको क्रम करने में, उसे छांटने में कि हमें क्या पढ़ाना है। अगर एक तरीके से हमारे पास पाठ्यक्रम पूरा बना हुआ तैयार होके आ जाता है तो हमें वो समय हमारा बच जाता है जो हम स्वयं बनाते हैं पाठ्यक्रम। तो यह हमारे समय की भी समय का भी सदुपयोग हुआ और हमारी शक्ति का भी सदुपयोग हुआ। शक्ति का कैसे, जब पाठ्यक्रम हमारे पास आ जाती है, कहते हैं शिक्षक का एक अहम जो औजार है पाठ्यक्रम, उसका हथियार है पाठ्यक्रम, जब वो उसके पास आ जाएगा, इंसान के पास जब हथियार होता है तो वो क्या होता है, क्या शक्तिवान हो जाता है। तो उसी तरीके से कहा जाता है कि जब पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में होता है तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और उसका समय भी बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानोपार्जन, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारे ज्ञान अर्जित करने में भी हमारा सहायक होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं इससे पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा सिलेबस तैयार होता है वो हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर होता है कि ओलिवर हमारे पाठ्यक्रम हमारे कोर्स में कौन कौन सी विषयों का चयन करना है, फिर उनके विषयों का हमारा कहते हैं विषय वस्तु बनानी होती है कि क्या क्या विषय वस्तुओं में हम हमारा सिलेबस तैयार करते हैं। तो कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में पाठ्यक्रम की अहम भूमिका होती है। जो पुस्तक हमारी मार्केट में आती है, जो विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जाती है, वो हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर होती है। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन में सरलता, यानी कि हम इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही विद्यार्थी का मूल्यांकन भी करते हैं कि हमने
के आधार पर उससे बच्चों ने कितना सीखा, अर्थात हम उनका फीडबैक भी, हम ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं, तो ये मूल्यांकन में होता है। वो मूल्यांकन करने में शिक्षक को सरलता हासिल हो जाती है कि हम कितना ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये हमारे पाठ्यक्रम में है। थर्ड हमारा नागरिकों का निर्माण, कहते हैं कि हमारे श्रम के व्यवसायिक अच्छा नागरिक बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, हमारे नागरिक कर्तव्यों का, कि हमारे देश के लिए, हमारे श्रम के लिए, हमारे समाज के लिए या हमारे परिवार के लिए एक नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हमारी जानकारी हमें हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर होता है। तो इसमें कहा जाता है कि अच्छा सभ्य नागरिक बनाने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। आगे है चारित्रिक विकास, कहते हैं इसमें इंसान श्रम जो अपने चरित्र का विकास, जैसे हम कहते हैं दया, परोपकारी, ईमानदारी, ये सब, क्योंकि जब हम विद्यालय में आते हैं तो इन सब गुणों का भी हमारे पाठ्यक्रम का एक अलग से हिस्सा होता है। अब कई बार हमने देखा है कि हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट में किसी ना किसी, कहते हैं किसी ना किसी महान नेताओं का, या कहते हैं कि एक आइडल इंसान का हमारे चैप्टर होता है। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ते हैं तो उन चैप्टर से हमारे जो चरित्र विकास है उसका निर्माण होता है, हम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में हम उसको पढ़ते हैं और हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं पाठ्यक्रम हमारे चारित्रिक विकास में भी सहायक होता है। फिर है हमारा सामाजिक, यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से हमें किस तरह से जुड़ना है या समाज के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना है। कहते हैं कि समाज भी हमारे विद्यालय से जुड़ा हुआ होता है, तो वो हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होगा। जरूर से जरूर हमारे समाज से संबंधित हमारे कुछ ना कुछ हमारी पुस्तक में होगा, पाठ्यक्रम में होगा। तो कहते हैं कि समाज में हम जो समाज सेवा करते हैं, ये सब चीज़ों के गुणों का विकास हमारे इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही हमारे होता है। फिर है व्यक्तित्व का विकास, इसमें कहते हैं कि व्यक्तित्व में बच्चों व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, यानी कि वो पढ़ाई शैक्षिक तरीके से भी और हमारे नागरिक गुण, चारित्रिक विकास, सभी कुछ इसमें उसका निर्माण होता है, जो कि बच्चों को जो एक कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनाता है। तो ये हम किसके आधार पर करते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पर। लास्ट है हमारा संवेगात्मक, जो कि हम हमारे कहते हैं कि हमारी संवेगात्मक जो क्रियाएं, जैसे मानसिक क्रियाएं होती हैं हमारी, जो कि हम किसके आधार पर जागृत होती है, हमारी जागृत होती है पाठ्यक्रम के आधार पर। वैसे संवेगात्मक क्रिया होती है हमारे हाथ पांव की, जैसे छूना करना, यहाँ हमारी जो संवेगात्मक क्रिया है वो हमारी मानसिक प्रक्रिया है। तो कहते हैं मानसिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें विकास करने के लिए हमें किसकी उपयोगिता होती है, हमारे पाठ्यक्रम की। तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक था आज का, पाठ्यक्रम में मैंने आपको वर्तमान स्वरूप और इसकी उपयोगिता के बारे में बताया है। ये आगे मैं निरंतर इसको जारी रखूंगी, ये टॉपिक मेरा आगे भी रहेगा और ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखें। दोनों पुस्तकों में है ये, जो मैंने दोनों पुस्तकों के आपको नाम भी बताए हैं, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम भाग दो में और हमारे विषयों संकाय एवं विषयों की समझ के लिए भी। धन्यवाद।